नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीक्षा गोलश्रेष्ठ। फिरोजाबाद के सावित्री देवी डिग्री कॉलेज में लोक नागरिक कल्याण समिति द्वारा नशा मुक्ति की नई पहल की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी सहित जिला जेल के जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम भी मौजूद रहे। वहीं बताया गया कि नशे की लत को कैसे छुड़ाया जाए और इसका सेवन करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। लोक नागरिक कल्याण समिति द्वारा नशा मुक्त करने को लेकर एक मिशन बनाया गया है। इस मिशन का उद्देश्य है कि इससे 1,00,000 लोगों को जोड़ा जाए और लोगों को बताया जाए कि लोगों को कैसे नशा मुक्त करना है। इसी को लेकर सावित्री देवी महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समिति के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ जेल अधीक्षक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने विचार मंच के द्वारा रखे और नशा मुक्त कैसे लोगों को होना है उसके बारे में भी बताया। लोगों का दिमाग नहीं गया था और ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी मुहिम में शराबबंदी के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है, शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है, नशाखोरी के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ऐसी संस्था में नौकरी करता हूं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ी है, जहां पर अपराधी रहते हैं उसको जेल कहा जाता है। लंबा अनुभव है मेरा, 24 साल की नौकरी है। तो उस दरमियान मैंने ये महसूस किया कि शराब पीने के बाद आज तक दुनिया में किसी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। जो भी काम गलत हुआ है वो शराब पीने के बाद हुआ। तो मैंने सैकड़ों हजारों को देखा, लीवर कैंसर हो गए, मेरे मिलने वाले बड़े बड़े करीबी जवानी की उम्र में शराब नहीं छोड़ी, जवानी की उम्र में खत्म हो गए। तो सेहत की बर्बादी है, उसके साथ साथ कोई सस्ती नहीं है, पैसे की बर्बादी है। क्योंकि मैंने ये देखा कि शराब पीने वाले को दिन में वो कोई काम हम नहीं करेगा, उसकी हेल्थ इस लायक नहीं रह जाती वो कुछ काम करे, उसके विचार इस लायक नहीं रह जाते हैं कि उसके अंदर सक्रियता है। दिन भर मैंने उन लोगों को निष्क्रिय घूमते देखता हूँ। शराब संदेश यही है कि ये शराब पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है, उनका जो आर्थिक ढांचा है उसको बिल्कुल चरमरा देती है, घर में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, बच्चों की जिस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए वो सब नहीं हो पाती है, परिवार का जैसा स्वास्थ्य होना चाहिए वो परिवार का मुखिया अगर स्वस्थ होगा, अनावश्यक रूप से शराब में खर्च नहीं करेगा तो वो धन परिवार के काम आएगा, परिवार की प्रोग्रेस होगी। और एक परिवार की प्रोग्रेस होगी क्योंकि हमारा जो देश है उसकी एक यूनिट अगर है तो वो परिवार है। परिवार जब सुधरेगा, यूनिट सुधरेगा तो पूरा प्रदेश सुधरेगा, पूरा देश सुधरेगा। और लोक नागरिक कल्याण समिति ने जो ये मुहिम चलाई है कि प्रदेश हमारा नशा मुक्त हो, शराब मुक्त हो, इसके लिए जो संघर्ष शुरू किया है, जो एक अभियान चलाया है, ये अभियान हमारा कामयाब होगा ऐसा विश्वास है। क्योंकि इसको पूरी निष्ठा से, पूरी एक कर्तव्य भावना से, समाज सेवा की भावना से किया जा रहा है तो ये देश, ये प्रदेश शराब मुक्त होगा और आगे प्रोग्रेस करेगा। लोक नागरिक कल्याण समिति मदरा मुक्ति मूवमेंट ग्रुप के माध्यम से जगह जगह मदरा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है जागरूकता का, और उसमें लोगों को जाकर अवेयर कर रहे हैं शराब के नुकसान। और देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से शराब का सेवन लगातार बढ़ रहा है और उससे दुर्घटनाओं का होना और आपकी बीमारियों का शिकार होना, समाज लगातार इससे ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही सरकार से मांग की जा रही है कि इतनी बड़ी मानवीय क्षति शराब की वजह से हो रही है तो इसको उत्तर प्रदेश में बैन लगाया जाए, उसके लिए मांग भी कर रहे हैं। और एक रेफरेंडम भी चल रहा है कार्यकर्ताओं का कि कितने लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शराब बंद हो। साथ ही हम अपील भी कर रहे हैं सरकार से कि इतनी बड़ी मानवीय क्षति अगर शराब के सेवन से हो रही है समाज में तो उसको रोकने के लिए, सिर्फ राजस्व के लिए इसको चलाना उचित नहीं है, शराब को बंद किया जाए। इससे बिहार में बंद हो गई, गुजरात में बंद हो गई, हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी शराब हो। और उसके लिए आपने देखा कि छात्राओं ने इसे एक स्लोगन बना बनाकर, अच्छे अच्छे स्लोगन सजाकर ये संदेश भी दिया है सरकार को कि इसको बैन लगाया जाए। ये मुहिम कब से कब तक रहेगी? ये मुहिम लगातार चल रही है अभी स्कूल कॉलेजों में, और जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जोड़ा जा रहा है, और ये निरंतर चलती रहेगी जब तक शराब उत्तर प्रदेश से बंद नहीं होती, तब तक चलेगी। फिरोजाबाद से अजय शर्मा की रिपोर्ट।
श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी शहर का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है जिसने पिछले सत्रों में सबसे ज्यादा सफलतम परिणाम दिए हैं। पिछले सत्र में यूपी पुलिस में 51 तथा कांस्टेबल में 80 से ऊपर सर्वाधिक सिलेक्शन दिए। इस बार पुनः नए वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं जिससे आपके शहर से ही आपका पुलिस में सिलेक्शन हो सके। SSCA ने SSC बैंक, रेलवे, NDA, एयरफोर्स, नेवी, लोअर सर्विसेज, स्टैट, कैट, पुलिस, CPO, SI आदि के सबसे अधिक परिणाम दिए हैं। गणित से डरने वाले छात्रों को सफलता विधि द्वारा कक्षा दी जाती है और जिससे सिलेक्शन लक्षित हो सके। अंग्रेजी में ग्रामर तथा शब्दकोश भंडारण के लिए अनुभवी अध्यापकों की व्यवस्था की गई है। ST में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हम आपके लिए लाए हैं। रेगुलर ST, 24 ST, प्रतिमा सक्सेस टेस्ट, प्रत्येक शनिवार ऑनलाइन टेस्ट, आपकी सुविधा अनुसार पोस्टल टेस्ट पार्सल करके घर पर उपलब्ध, जिससे प्रत्येक छात्र इस ST से सस्ती फीस पर टेस्ट की तैयारी कर सफल हो सके। अधिक जानकारी के लिए 9758888824 और 9450747486 पर संपर्क करें। वेबसाइट www.mysuccess.com। पता है संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने, स्टेशन रोड, MG कॉलेज के पास, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।